नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरों में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की जम्मू कश्मीर की खास खबरों की, और सबसे पहले बात करेंगे कोरोना की। कोरोना के डेल्टा स्वरूप से निपटने के लिए जम्मू के जीएमसी अस्पताल में जहां पूरी तैयारियां कर ली गई है, वहीं स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से लापरवाही ना बरतने की अपील भी की है। जीएमसी की प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सुदन शर्मा ने बताया कि कोरोना अब नए स्वरूप के कहर मचा रहा है और लोगों को भी इससे बचने के लिए एसओपी का हर हाल में पालन करना चाहिए। डेल्टा प्लस भी एक म्यूटेंट है और वही तैयारियां जो पहले आज तक चल रही थी कोविड मैनेजमेंट के लिए, इसकी ज़्यादा तैयारियां और कंटेनमेंट जो है वो पब्लिक को करने की ज़रूरत है कि क्योंकि ऐसे नए म्यूटेंट्स आते जा रहे हैं कोविड में और आते भी रहेंगे क्योंकि ये म्यूटेशन प्रोन वायरस है। तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो सिंपल बातें हैं पर उनके रिजल्ट बहुत कंक्रीट हैं, जिसमें मास्क के बिना कभी नहीं रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग और करते रहना है, और गैदरिंग्स और क्राउडिंग का कोई स्कोप नहीं है, और हैंड सैनिटाइजेशन साबुन पानी से या अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर से हाथ धोते रहना है, वो और भी इंटेंसिफाइड रखना है हर व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत जिम्मेवारी समझते हुए, ताकि कोई म्यूटेंट बाहर से आया हुआ या किसी व्यक्ति में नया म्यूटेंट पैदा हो गया वहीं ख़त्म हो जाए और ट्रांसमिशन चेन रुक जाए। जम्मू नगर निगम ने मौजूदा समय में पीने के पानी की किल्लत के लिए जहां पीडीडी और जल शक्ति विभाग में तालमेल ना होने की को जिम्मेदार ठहराया है, वहीं आने वाले समय में जम्मू के सभी वार्डो में पानी की सप्लाई सुनिश्चित करने का वादा भी किया है। जम्मू के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने बताया कि सालों पहले बिछाई गई पानी की पाइपों की हालत भी बद से बदतर हो चुकी है, जिनकी मरम्मत या फिर नई पाइपलाइन बिछाने के लिए नगर निगम अब जल शक्ति विभाग को एक्टिव करने जा रहा है। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि अगले साल जून तक इस समस्या का समाधान कर लिया जाएगा, जिसके लिए निगम की सभी कमेटियों के चेयरमैन और पार्षद भी जी जान से जुटे हुए हैं। इलाके ऐसे रहेंगे जहाँ अभी तक ये पाइप नहीं डाल सके, 72 साल हो गए हमको आज़ाद हुए, तो इसके ऊपर लोगों को आगाह कर सकें। और मेन जो प्रॉब्लम है पानी की शार्टेज, उसकी मेन प्रॉब्लम ये है कि बिजली की प्रॉब्लम, उस बिजली की प्रॉब्लम को हम लोग कैसे दूर कर सके पीडीडी डिपार्टमेंट द्वारा, उसके ऊपर भी हम पूरा फोकस कर रहे हैं। इसलिए आने वाले समय में जो अगला जून आएगा एक साल, उसके लिए हम आज से तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए जो जो काम हम लोग कर सकते हैं, जो जो त्रुटियां हैं, हर चीज इनके पास स्टैंड पे चाहिए। मैंने कहा कि जिस गली में जाओ वहां लीक है, वो क्यों नहीं होती है? एक लीक को 12 बार या 18 बार साल में क्यों बनाना पड़ता है? कोई भी लीक बिना बेल्डिंग के नहीं बननी चाहिए। जो कोई ऐसी पाइप है इनके पास पुरानी देगी जहां वो बेल्डिंग नहीं होती है, वहां जे उसको लेड के साथ सिक्के के द्वारा उसको पैकिंग दे। और मैंने ये भी कहा है कारपेंटरों के पास वो सिक्का रहेगा, जब इनको चाहिए होगा वहां से जे उठाएंगे जैसे सिक्का प्रोक्योरमेंट हो। एक एक बात जहां जहां इनकी कमियां हैं पीएचई डिपार्टमेंट की, ये इस डिपार्टमेंट को बिल्कुल एक्टिवेट करना है, गति देनी है। श्री अमर क्षत्रिय राजपूत सभा ने कश्मीर घाटी में जबरन धर्मांतर के मामलों पर कड़ा रोष जताया है। सभा के राज्यपाल प्रशासन ने ऐसे मामलों पर रोक लगाने के लिए सख्त कानून वजूद में लाने की मांग भी की है। सभा के प्रधान बिशन सिंह ने कहा कि ऐसे मामलों की जितनी निंदा की जाए कम है, लिहाजा राज्यपाल प्रशासन को इस पर सोच विचार कर धर्मांतर कानून लागू करना चाहिए। जो इंसिडेंट श्रीनगर च होया ये बड़ा दुखदायक होया, निंदनीय है, जिन्नी भी यदि भर्सना की जाए सारे को ज्यादा है। और जिस तरीके इनकी बच्चियों की साड़ियों की किडनैप किया गया और फिर उनका मैरिज शादी की गई और बाद मजहब कन्वर्शन की स्टेट में जड़ी बच्ची को दवाई गई जबरन एक मजहब की चेंज करने वास्ते, सारा निंदनीय है। राजपूत सभा ने कड़ा संज्ञान लिया है और अस सरकार की आखना चाहते हैं, खास करी एल जी साहब की, कि जम्मू कश्मीर के हालात जड़े वो परतियां बिगड़ने की स्टेज पर जा रहे हैं, वो कुछ सोच विचार किया जाए और कोई लेजिस्लेचर जरा कोई नया कानून जरा बनाया जाए, उस कानून के तहत कोई भी बच्चा या बच्ची अपना धर्म चेंज नहीं कर सके विदाउट कंसेंट ऑफ देयर पेरेंट्स। जिला कांग्रेस कमेटी ने जम्मू में आज प्रदर्शन कर महंगाई सहित अन्य मुद्दों का हल ना होने के विरोध में नारेबाजी की है। पार्टी नेता योगेश सहानी की अगुवाही में हुए इस धरने को
दौरान कांग्रेस ने प्रशासन पर आम लोगों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि महंगाई की चक्की में पिसने के साथ साथ लोग बिजली और पानी की किल्लत से भी जूझ रहे हैं और उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए एक चेतावनी थी हमारी सरकार को कि जो रेता और बजरी की चोरी हो रही है, एक डीसी साहब ऑर्डर निकालते हैं कि इस भाव पे रेत और बजरी लोगों को मिलेगी, उसके बावजूद रेत तो बजरी के दाम बढ़ा चढ़ाकर लोगों को मिल रही है। आम आदमी के लिए काम चलाना, अपने मकान बनाना, रिपेयर करना मुश्किल है। और दूसरा, पिछले काफी दिनों से जो बिजली की हालत है जम्मू शहर के अंदर, पानी की जो हालत है, वर्ष साल तक अगर बिजली नहीं मिलेगी। रियासी के कांसकस्सा इलाके में आज हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। यह हादसा फॉरेस्ट चेक पोस्ट के नजदीक तब पेश आया जब अपनी मां के साथ जा रहे युवक की बाइक को एक कार ने टक्कर मार दी। इस हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी मां को गंभीर अवस्था में लोगों ने अस्पताल पहुंचाया है। हादसे में मारा गया युवक पनासा बरादरी इलाके का बताया जा रहा है। देश में जनता के लिए सरकार द्वारा किस तरह की स्वास्थ्य व्यवस्था की गई है, इसकी पोल कोरोना महामारी के दौर में खुल गई। स्वास्थ्य व्यवस्था के ढांचे में कमी होने का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ा। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहां भी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर आए दिन जनता सवाल उठाती रहती है। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर ऐसे ही कुछ सवाल रियासी जिले के ब्लॉक पोनी के लोगों ने उठाया है। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर क्या कुछ कहना है वहां के लोगों को, तो चलिए आइए आपको वो भी दिखाते हैं। 56 वर्षों से अपग्रेडेशन के इंतजार में पोनी हेल्थ सेंटर। लोगों की मांग के बावजूद भी नहीं बढ़ाया गया दर्जा। स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी से परेशान हुई जनता। यह है जिला रियासी के ब्लॉक पोनी का हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। सन 1965 में सरकार ने सेंटर का निर्माण किया था। पिछले 56 वर्षों में जम्मू कश्मीर में कई बदलाव हुए, सरकारें बदली, सियासी फिजा भी बदली, यहां तक कि रियासी को भी जिले का दर्जा दिया गया। लेकिन पोनी के इस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में कुछ नहीं बदला। इस ब्लॉक की जनसंख्या बढ़ी, हेल्थ सेंटर पर बोझ भी बढ़ा, लेकिन फिर भी इस सेंटर का दर्जा नहीं बढ़ाया गया। अन्य सभी सेंटरों का दर्जा बढ़ा दिया गया, लेकिन यहां के लोगों की लगातार गुहार के बावजूद भी इस सेंटर को अब तक नजरअंदाज किया गया है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये पीएचसी पोनी जो काफी देर पिछले 40 साल से कम पीएचसी है, तो इसके साथ जितने भी पीएचसी थे वो अपग्रेड हो गए। अभी जहाँ कोई सीएचसी बन गया, जहाँ सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बन गया, लेकिन ये अभी का पीएचसी का पीएचसी है काफ़ी देर से। यहाँ पे कम से कम 23 पंचायतें हैं और बाकी दूसरे डिस्ट्रिक्ट की जितनी और कॉन्स्टिट्यूंसी की पंचायतें आती हैं वो कम से कम 10 पंचायतें और लगती होंगी इसके साथ। 1965 की हमारी पीएचसी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो 1965 का बना हुआ है, इसको अभी तक अपग्रेड नहीं किया गया है। इसके लिए एक एनजीओ है हमारी पीडीएफ, उन्होंने भी और यहाँ के ब्लॉक पौनी के सभी सरपंचेस, पंचेस, बीडीसी चेयरपर्सन, डीडीसी मैडम, इन्होंने सबने प्रयास किया है। पौनी एक ऐसा स्टेशन है जहाँ तीन जिलों की सीमाएं जुड़ती, तीन जिलों की सीमाएं मिलने के कारण इस सेंटर पर भारी दबाव रहता है। लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं ना होने के कारण इलाज के लिए यहाँ आने वाले लोगों को मायूसी ही हाथ लगती है। पहाड़ी इलाका है, रणसू शिवखोड़ी इखनी से लेकर तलवाड़े तक पौनी ब्लॉक है, यहाँ पर बहुत पुराना हमारा एक पीएससी चल रहा है। कई बार इसको अपग्रेड करने की कोशिश की गई, वरना किया नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ लोग गरीब हैं, दूर दराज नहीं जा सकते, जहाँ कोई छोटी छोटी प्रॉब्लम हो जाता है, जहाँ सुंदरबनी रियासी जाना पड़ता है, उनको जम्मू रेफर कर देते हैं, उनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, नहीं जा सकते हैं। इसलिए इनके सभी की मुश्किलात को देखते हुए इसको कम से कम सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तो बना ही देना चाहिए। और इस हॉस्पिटल की मैं आपको बताऊं, इट हैज बीन सराउंडेड बाय द 3 डिस्ट्रिक्ट्स।
यहाँ पर जम्मू डिस्ट्रिक्ट फाल करता है, रियासी डिस्ट्रिक्ट फाल करता है, रजौरी डिस्ट्रिक्ट फाल करता है, कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, कितने लोग हैं, ये पहाड़ का जितना इलाका है सभी लोग इधर पर आते हैं, यहाँ पर है चौकी चौरा से इधर जो जो ये हम कहते हैं त्रियार से यहाँ पर लोग आते हैं, ये रणसू से यहाँ पर आ रहे हैं इस हॉस्पिटल में, लेकिन बड़ा अफसोस है इतना इस पर लोड है। एक तो डॉक्टर्स नहीं है, स्पेशलिस्ट कोई नहीं है, यहाँ स्पेशलिस्ट का होना बहुत जरूरी है, गायने के डॉक्टर नहीं है, लेडी का डॉक्टर का होना बहुत जरूरी है, ये परेशानियाँ जो है दिन दिन बढ़ रही हैं। मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, LG साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता हूँ, अब हमारे नए नए DC साहब आए हैं, मैं इंसिम सिंह साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, इस हॉस्पिटल के बारे में पहले जल्दी से जल्दी कुछ किया जाए ताकि ये इसका अपग्रेडेशन हो जाए, ये लोग जो है सुख से सांस लें। यही नहीं, पोनी शिव खोड़ी की यात्रा के रूट में पड़ता है और साल भर यात्रियों का इस रूट में आना जाना लगा रहता है। इस हवाले से भी इस सेंटर में स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा करना जरूरी बन जाता है। हम ये चाहते हैं, गवर्नर साहब से भी अपील करते हैं कि यहाँ यात्रा स्टेशन है, कटरा वैष्णो देवी से लोग शिवखोड़ी के लिए जाते हैं, रास्ते में पौनी पड़ता है और यहाँ की आबादी 1 लाख के करीब है और हम लोगों के पास यही PHC है। हम ये चाहते हैं, हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि पहली फुर्सत में इस PHC को जल्दी से जल्दी अपग्रेड किया जाए, इसको सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में तब्दील किया जाए ताकि हम लोगों को जो बाहर जाना पड़ता था हमारे इलाज यहाँ पे ही हो। इस सेंटर में पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं ना होने के कारण लोगों को रियासी या फिर जम्मू का रुख करना पड़ता है। उनकी माने तो कभी कभार मरीज की हालत इस कदर बिगड़ जाती है कि जम्मू जाते जाते रास्ते में ही दम तोड़ देता है। काफ़ी रश होता है इधर और यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं होने की वजह से रेफर कर दिया जाता है या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में या GMC जम्मू में जी। तो हम चाहते हैं कि इसको अपग्रेड किया जाए जी। तो काफ़ी जनता इधर परेशान होती है, जब कोई कई लोगों की तो रास्ते में ही डेथ हो जाती है, या कोई रियासी में पहुँचते पहुँचते, या काफ़ी लंबा सफ़र है, 100 किलोमीटर है जम्मू यहाँ से। पौनी की जनता अपने इस हेल्थ सेंटर की अपग्रेडेशन का सपना पिछले 56 वर्षों से देख रही है और अपने इस सपने को साकार करने के लिए यहाँ की जनता लगातार संघर्ष भी कर रही है। अब देखना यह है कि इनके संघर्ष कितने समय में उनके इस सपने को पूरा करता है। रियासी से सुरेंद्र शर्मा के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। भारत और पाकिस्तान के बीच LOC पर दोबारा हुए सीजफायर समझौते के बाद सरहदी इलाकों के लोगों ने भी चैन की सांस ली है। बारामूला में LOC के नजदीक कमान पोस्ट पर पहुंची सर्वनियम विजय वर्ष मशाल का स्वागत करने पहुंचे लोगों ने इसकी तस्दीक करते हुए दोनों मुल्कों की सरकार से बस सेवा और व्यापार को भी दोबारा बहाल करने की मांग की है, क्योंकि सीजफायर जो है वो अमन के लिए एक बहुत बड़ी मैसेज में देना चाहूँगा कि सीज़फायर कायम रहेगा तो इंशाल्लाह उल अज़ीज़ यहाँ डेवलपमेंट होगी, तरक्की होगी और बार बार ऐसे इवेंट होते रहेंगे। मैं बिल्कुल, ये सही है कि 2-3 साल से तो मैं आपको ये कहूँ, मैं करीब 1 किलोमीटर पीछे रहता हूँ, लेकिन ये ख्वाब बन के रह गया था कि कमान पुल शायद हम कभी जा सकें या ना जा सकें, लेकिन जब से ये सीज़फायर हुआ है तो हमारी खेती बाड़ी, हमारे बॉर्डर के लोग रहने वाले जो हैं, इन्होंने अमन की सांस ली है और मैं गुजारिश करना चाहूँगा आपकी वसातत से कि ये अमन कायम दायम रहे, सीज़फायर रहे। हम गुजारिश करना चाहेंगे कि यहाँ पे बस सर्विस चले, ट्रेड चले, नौजवानों को रोजगार मिले, क्योंकि हर जंग हमने जीती है लेकिन बेरोजगारी की जंग के लिए भी मैं गुजारिश करना चाहूंगा ताकि ये ट्रेड चले, बाकी चीजें हों जिसकी वजह से हमारा ये रोजगार कायम हो। जो यहाँ बॉर्डर के 0 किलोमीटर के लोग हैं वो खासकर जो सीज़फायर वायलेशन की वजह से बहुत ज्यादा खुशी की लहर दौड़ी है ताकि हम लोग अमन चैन की जिंदगी यहाँ पे जी सकें और अपने बच्चों को और अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकें। देखो सर, ये प्रोग्राम हुए मगर हमारे हम चाहते हैं कि हमारा दूसरे देश से ताल्लुकात अच्छे हों,
अमन का पैगाम हो और हमारे जो है जो दूसरे देश के साथ रिश्ते हैं वो बढ़ें, और हम उड़ी वाले जो हैं वो हमेशा फायरिंग की जद में आते हैं ताकि ऐसे ही भाईचारा रहे, ताकि हमारी आवाम खुल के अपना काम कर सके, और कम से कम अगर बस सर्विस चले तो हमारे किसी बेरोजगार को रोजगार मिलेगा और हमारे दूसरे देश के साथ हमारे रिश्ते जो है वो अच्छे होंगे। जी जी बिल्कुल, वो तो अगर हम भी चाहते हैं कि उनके साथ ये रिश्ते हमारे कायम दायम रहें ताकि हमारे जो है रिश्ते बढ़ें और बेरोजगारी खत्म हो। जम्मू के वार्ड नंबर 15 मोहल्ला प्रतापगढ़ में बीती रात आए तूफान और बारिश के चलते एक मकान की दीवार गिर गई, जिससे गली में खड़ी दो स्कूटियों को नुकसान पहुंचा है। लोगों ने इमारत के मालिक से इस नुकसान की भरपाई की मांग की है। बिल्डिंग है, इन्होंने कितनी बार इनको बोला कि कोई अपनी करो ठीक, इन्होंने कुछ नहीं, ऐसे सिंगल दीवार चढ़ाई हुई है, तीसरी मंजिल पे सिंगल दीवार कौन चढ़ाता है। अब हमारी गाड़ी पूरी डैमेज हो गई है, थोड़ी देर पहले हमारे हस्बैंड घर में आए, अगर उसी वक्त हो जाता कुछ तो साथ वाले आंटी को इतनी लगी हुई है, उनका पूरा छत गिर गया, वो सोए हुए थे उनको इतनी लगी हुई है। अब उनका को अंकल को बोला जो ओनर है वो पहले आ नहीं रहे था, अब हमने उनको जाके बुलाया है, वो कह रहे हैं हमें हमारी कोई रिस्पांसिबिलिटी। अब हमने ये प्रतापगढ़ मोहल्ला है, एक्चुअली रात को जब बारिश आई ना तो यहाँ पे ये साथ वाली बिल्डिंग है, ये सिंगल सिंगल की है, सिंगल की, ऊपर से जब हवा आई ना नीचे दीवार गिर पड़ी, उससे ये हुआ कि एक तो नीचे स्कूटी लगी थी, दूसरी एक बाइक लगी थी, दोनों डैमेज हो गई टोटल की टोटल। लेकिन जो ओनर है वो अभी उसका अभी तक कुछ पता नहीं है, वो कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। कहते हैं गरीब को खुदा की मार, ये कहावत आरएसपुरा के गांव जिंदड़ मेलू के एक गरीब परिवार पर बिल्कुल सटीक बैठी। आर्थिक तंगी से जूझ रहे इस परिवार पर बीती रात आया तूफान आफत साबित हुआ है। भारी तूफान में इस परिवार के आशियाने की छत उड़ा दी, जिसके चलते अब ये परिवार अब खुले आसमान के नीचे आ गया है। आशियाने की छत उड़ जाने से इस परिवार के लिए इस भीषण गर्मी में सिर छुपाना अब चुनौती बन गया है। पीड़ित परिवार के साथ साथ स्थानीय पंच ने भी सरकार से मदद की गुहार लगाई है। वहीं गांव के निर्माणधीन एक मकान को भी छत तूफान की भेंट चढ़ गई। दूसरी ओर तूफान ने शहरों में भी भारी तबाही मचाई है। सड़कों के किनारे लगे कई पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ कर तो कहीं जगहों पर दीवारें भी गिर गई, जिससे बिजली की सप्लाई बुरी तरह से प्रभावित हुई थी। और रात जो तूफान की वजह से ना सभी बहुत नुकसान हुआ, और छोटे छोटे हमारे बच्चे भी हैं, और सरकार से यही फील है कि हमको थोड़ा मतलब कि मदद दे। राती चाण की तूफान आया बहुत जबरदस्त, साथी पूरा उड़ गया हाडा जी, मेहनत मजदूरी करके मैं थोड़ा मेरा ढंग चलाए अपना, तो मेरी बेनती है सरकार अगे थोड़ी साड़ी मदद करे, तो अगर बरसात आए करती है तो अभी कितने रहेंगे, बहुत मुश्किल है जी साढ़ा रहना जीना है। किस तरह काम मारे मैं मजदूरी करना जी, तो मजदूरी करके मैं न्याणे पालना अपने, कितने बेचारे बाहर जमीन चाहिए दिहाड़ी दार बंदे ने, तो पता नहीं किस तरह जोर ज्यादा करके तेने बाहर मकान का माड़ा मोटा छत पाई ही, तो यह राती इन्ना तूफान आया ना पूरी की पूरी छत उड़ गई, बच्चे बड़ी मुश्किल बचाए न्याण ने, किस तरीके बच्चे बेचारे बचा के बाहर कड़े छत पूरी उड़ गई, रहन देने का कोई सिस्टम नहीं अगे। मैं चाहना कि चलो भगवान थोड़ी मती गौरमेंट यदि मदद कर चाहे कि रहन की कोई छत छुत पा के अपने बच्चे तो कितने रख सके, कहो आने तूफान अगे बड़े आने तो बेचारे कितने जाएंगे, दिहाड़ी दार बंदा इन्ना कोई रुजगार नहीं आता भी फटाफट अपनी छत पा या फटाफट तैयारी कर सकन, अगे पता किस तरह मुश्किल में जाने दिहाड़ी दे पल आ गए, इन्ने दो त्रै कमरे बैठे माड़े मोटे टीना बा खड़े किए, और रात की छत पूरी की पूरी उड़ गई है, तो बेचारे निके निके ने देखो खज्जल हो गए, माई बुढ़ी है बेचारे छोटे छोटे बच्चे ने, ये कितने जाएंगे बेचारे। रात को तूफान तो हद से ज़्यादा आया, इतना तूफान पहले मैंने कभी नहीं देखा था, और अभी गांधीनगर गाँव जहाँ पर हॉस्पिटल की दीवार भी टूट चुकी है, और रास्ते में काफ़ी पेड़ भी गिरे हुए हैं, और खंभे के बिजली के खंभे भी गिरे हुए हैं, और जाति ये शुक्र है मालिक का जाति नुकसान कोई नहीं हुआ है, बाकी तारे तो टूट गए वो ठीक हो जाएंगी। पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी से जनता में भारी रोष है।
लोगों के मुताबिक वो पहले से ही कोरोना महामारी के चलते भारी संकट से जूझ रहे हैं और ऐसे में पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी ने उनका जीना और भी कठिन बना दिया है। परेशानी तो बहुत ज्यादा है सर, तेल दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है और आपको पता है कि हर चीज महंगाई का कारण ही तेल है। जब तेल बढ़ेगा तो हर चीज महंगाई होगी और आज के दौर में तेल, अब कल परसों सुना है कि सिलेंडर भी, एलपीजी सिलेंडर भी 25 पे बढ़ गया है और लोगों पे महंगाई का जो वजन है ना वो बढ़ता ही जा रहा है दिन ब दिन। तो हर चीज़ तेल से बढ़ती है, जब तेल बढ़ेगा तो फिर आपको पता है कि हर चीज़ बढ़ेगी। तो आज के दिन में महंगाई में चलना तो बड़ा मुश्किल है। स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप इन पे तेलों पर ध्यान दिया जाए, तेल सस्ता किया जाए और आम लोगों की जो ज़िंदगी है वो आजकल सबसे ज़्यादा चलती तेल पे ही है। मतलब कि लोगों का सर्वाइव भी तेल से चलता है, किसने कहीं जाना हो तेल पे ही डिपेंड है ज़्यादा। और जो दिहाड़ीदार बंदा है वो तो वैसे भी मतलब कि वैसे भी कमज़ोर है और तेल से बढ़ने से और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। सब बहुत मुश्किल है, जीना आराम कर दिया, गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया, गाड़ी चलना अब हमारे बस का नहीं रह गया। अब बिजली वाली ही गाड़ी चलेगी, ये वाली पेट्रोल वाली बंद करनी पड़ेगी। अब असल गैस के दाम तो बढ़ गए हैं तो खाना बनाना मुश्किल हो जाएगा। अब फिर पुराना आएगा, फिर लकड़ियों के ऊपर खाना खुना बनाना शुरू कर देंगे और क्या होगा। फिर पारा बढ़ने के साथ साथ बिजली पानी की समस्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। हर क्षेत्र में लोग भीषण गर्मी में बिजली पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं और आए दिन सड़कों पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में अखनूर ब्लॉक के गांव भड़ोई के लोगों ने पानी की किल्लत को लेकर जल शक्ति विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप था कि पानी की सप्लाई ना होने से उन्हें इसकी एक एक बूंद के लिए भटकना पड़ रहा है, लेकिन जल शक्ति विभाग उनकी इस परेशानी का कोई हल नहीं कर रहा है। इन लोगों के मुताबिक महंगाई के इस दौर में पानी खरीद कर पीना उनके बस की बात नहीं है। और पानी को लेकर हमें बहुत सारी परेशानियां सहनी पड़ती हैं। जैसे कि हमें कपड़े धोने पड़ते हैं, माल मलेशियों को पानी पिलाना पड़ता है, अभी तो तालाब में भी पानी कम ही है। गर्मी की वजह से लोग पानी का इस्तेमाल ज्यादा ही करते हैं कुछ, और उसकी वजह से हमें गवर्नमेंट से यही अपील है कि पानी ज्यादा आना चाहिए और हमें ट्यूबवेल की जरूरी है। हमारे पानी की बहुत तंगी है, मतलब पानी है ही नहीं, पानी की हमें बड़ी परेशानी रहती है। हम पानी मतलब कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए मतलब सोचना पड़ता है पहले नलका खोलने से कि पानी कितना मतलब कितना इस्तेमाल करें। पानी मूल का ही पड़ता है, हमें गाड़ी मतलब टैंकर लाना पड़ता है वो 500 रुपए का, गरीब लोग हैं सारे, और 1000 रुपए की गाड़ी आती है पानी की, 1200 होगी, वो गरीब लोग कहाँ से ले, वो इतने दूर ऊपर जाके हम खूह से पानी लाते हैं। असें पानी की इन्नी दिक्कत है, सारा ट्यूबवेल ने सघानी ट्यूबवेल कटे सघानी कल चार स्टैप पानी सुटते हैं। बिजली आले आखते साढ़े बिजली पानी आले आखते पानी सुटते, इतने तक कोई नहीं पुजता। आज टैंकरें कन्नै दिक्खो टैंकर लगे, टैंकरें कन्नै पानी सुटाने अस अपना गुजारा करने। और पूरा ग्रां कोई 200-300 कुंभा, इतने साढ़े पूरा ग्रां 200-300 की बस्ती है, टैपा बिछी दियां, नलके लगे पानी नहीं साढ़े कोल। हाँ जी, और इसलिए अस तुंदे कोल अपील करना चाहते, साड़ी गल जी गवर्नमेंट तक पजानी चाहिए, LG साहब के साड़ी गल पुजनी चाहिए तुंदी, और एडवाइजर जो भी इसलिए गवर्नमेंट के बड़े आला अधिकार उन्दे तक साड़ी गल पुजनी चाहिए कि यह बुड़ी बच्चे कोई ट्यूबवेल नहीं, 300-400 कुंभा है साढ़े बुड़ी, और सघानी है, और गड़गाल है, कांडी ट्यूबवेल है, बुड़ी ट्यूबवेल कोई नहीं। बिजली की अघोषित कटौती के विरोध में घोमनासा के लोगों ने प्रदर्शन किया और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि इस भीषण गर्मी में बिजली की अघोषित कटौती से उनका जीना मुहाल हो गया है और बार बार गुहार लगाने के बावजूद भी बिजली विभाग इस परेशानी का समाधान नहीं कर पाया है। इन लोगों ने चेतावनी दी कि अगर बिजली कटौती पर रोक ना लगाई गई तो वो विभाग के कार्यालय पर ताला जड़कर उग्र प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। लेकिन मनासा लोकें दी जिहड़ी मंग होंदी ने बिजली दी मंग।
इलाके की जी मांग होती है बिजली एक बिजली एक पानी हुई एक गलियां सड़क पानी है बड़ा ना एक सड़क बन सकती है ना तो बिजली सीधी हुई है पूरी जड़े लोग बड़े बड़े वादे करते हैं अस ये कर देंगे अस वो कर दिता अस कोई दसा अज घोष से दसते हैं लोग आपू तारा लाते हो गया हमारी लीडरशिप के लिए और ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी इतनी परेशान है हम इतने रोज से रोज सर हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कोई हमारी बात नहीं सुन रहा ना ही हमारी घूम रहा की लीडरशिप और ना ही हमारे जो ऊपर डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं एई एक्सपीएन जेई वगैरह ये हमारी कोई बात नहीं सुन रही हमारी तो चलो दूर की बात है हमारे यहाँ की लीडरशिप की बात नहीं सुन रहे वो सब फेलियर है यहाँ की लीडरशिप का घूमना सर जैसे कि आपको पता ही है पूरे जम्मू में आज बिजली की बहुत किल्लत है खास करके हमारे इस इलाके में घूमना सर क्षेत्र जो पड़ता है बिजली दो घंटे आती है जो दो घंटे बिजली ये देते हैं उसमें भी पूरा डेढ़ घंटे का कट रहता है हमें बिजली मिलती है किस्तों में आधा घंटा बिजली मिलती है हमें किस्तों में हम इनसे बहुत परेशान हैं पिछले 10 साल से हमें लीडरशिप हम अपने लीडरशिप से परेशान हैं लीडरशिप ने सिर्फ हमें झूठे दिलासे दिए हैं झूठे वादे दिए हैं और हमें कुछ नहीं दिया है हम चाहते हैं कि हमें बिजली मिले अगर किसके बिल नहीं आते हैं उनका बिजली काटो बिल भरो ये आपकी ड्यूटी है ये पीडीटी डिपार्टमेंट की ड्यूटी है ये हमारी ड्यूटी नहीं है हम पूरा सहयोग बिश्नाहा के वार्ड नंबर 12 में संदिग्ध परिस्थितियों में एक प्रवासी मजदूर का शव मिलने से हड़कंप मच गया है स्थानीय लोगों में इसकी सूचना पुलिस को दी तो जिसने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा कर मामले की तहकीकात शुरू कर दी मृतक प्रवासी मजदूर की अभी पहचान नहीं हो पाई है तो अब तक के जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत दीजिए नमस्कार।